आगरा में अधर्म पर धर्म की जीत के पावन अवसर विजयदशमी के दिन रामलीला ग्राउंड हनुमान मंदिर में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने शिरकत की। हर साल इसी मंदिर में हिंदू संगठन से जुड़े लोग शस्त्र पूजन करते हैं और विजयदशमी के पावन पर्व को मनाते हैं। बजरंग दल मीडिया प्रभारी अभिषेक शर्मा का इस दौरान कहना था कि शस्त्र पूजन से रोकने के लिए प्रशासन ने यहां पहरा लगा दिया था, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने यहां शांतिपूर्वक ढंग से शस्त्र पूजन किया। किसी भी तरह की शासन को कोई परेशानी नहीं हुई और इसी तरह हर साल बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन करवाया जाएगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन का आयोजन इसी मंदिर प्रांगण में होता है और इसी प्रांगण में किया। प्रशासन ने अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया, लेकिन बजरंग दल कहीं हार मानने वाला नहीं था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शस्त्र पूजन को भव्य रूप से किया और लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने इसमें प्रतिभाग किया और आगे भी बजरंग दल किसी से डरने वाला नहीं है। हम कोई गलत कार्य नहीं करते, कोई फायरिंग नहीं करते। जो शस्त्र पूजन होता है प्रत्येक वर्ष की भांति वो भी इस वर्ष हुआ है। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जुलूस का जब ऊपर से आदेश होता है तो जुलूस का भी कार्यक्रम जगह जगह हुआ है, ब्रज प्रांत में है। अभी आगरा प्रांगण में केवल शस्त्र पूजन का आयोजन था तो शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है। राकेश त्यागी, प्रांत संयोजक बजरंग दल। अधर्म पर धर्म की जीत के पावन पर्व दशहरा पर बजरंग दल द्वारा प्रत्येक वर्ष शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया जाता है। शासन प्रशासन के मना करने के पश्चात हमने केवल शस्त्र पूजन किया है। पिछले 2 वर्ष पूर्व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हर्ष फायरिंग का मुकदमा लगाया गया था, जो कि बिल्कुल गलत था। यहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई थी, उसके बावजूद शासन प्रशासन के सहयोग से हमने यहाँ शस्त्र पूजन किया है। यहाँ हर वर्ष शस्त्र पूजन होता है और बजरंग दल के युवा नौजवान साथी कार्यकर्ता यहाँ हर्षोल्लास के साथ शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं।